इंसाफ होना, कानून की कस्टडी में रहते पर भी उन्होंने हम लोगों को धमकी दे रहे उन्होंने और उनके भौने लगा। हम लोगों को बस इंसाफ होना, उनके पास कोई भाई वगैरह नहीं है, सिर्फ फादर है। अब हम लोगों को बच्चियां हैं बल्कि लगा हम लोगों को और टॉर्चर कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब बोल जने। रहे आपके यहाँ हमारे बड़े आंटी उन्होंने बोल रहे हैं बच्चे हैं जाने दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो बोल रहे सब। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरे वालिद साहब है यहाँ पे, इसमें उस्मानिया हॉस्पिटल में है। मेरे खलेरे भाई आके अटैक करे, किस चीज से करे अटैक? चाकू से अटैक करे सर। कई के लिए क्या वजह थी अटैक करने? मालूम नहीं क्या वजह थी, बस उन लोग आए, बहजम बहजी हुई, मारम पीटी हुई, चाकू निकाल के अटैक कर दिए। एक चाकू थी, दो चाकू? एक चाकू थी। कितने बजे हुआ ये वाकया? ये 7 o'clock को हुआ जी। और दो जने हैं, इमरान और नदीम, दोनों भी है। इमरान बड़ा भाई है, नदीम थर्ड वाला बच्चा है जी। आपके कोई रिलेशन में है क्या? जी हाँ, मेरे आंटी के बच्चे है, सगे आंटी के बच्चे है ये। मारने की वजह कुछ भी नहीं मालूम? नहीं, कुछ वजह नहीं है, सिर्फ ये लोग मेरे पापा के साथ काम पे जाते थे, बस यही वजह है। क्या करते हैं आप? कबाब का काम करते, बावर्ची है मेरे फादर। और इमरान जाते जाते इमरान को नीचे लोग पकड़ के चाकू खींच लेके हॉस्पिटल वहाँ पे पीएस को लेके गए, तो इमरान बोल रहे मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस आया, जेल से आया बाद में तुम्हारे मम्मी को भी और तुम्हारे फादर को भी और तीनों बेटियों को मार देते, जान से मार देते, मर्डर कर देते बोल रही। पूरी पब्लिक के सामने? जी हाँ, सबके सामने बोल रहे हैं। और उनके घर वाले कॉम्प्रोमाइज करो बोल रहे हैं, उनके भौने है शरीफ, उन्होंने बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करो ना तो तुम्हारा को काट देते, मेरे को काट देते बोल रहे हैं। उनके भौने ही बोल रहे हैं। क्या नाम है उनका? शरीफ है उनका। दिये, कम्प्लेंट दिये, जी नहीं उन लगा नहीं पूछे अभी तो, हम लोग थोड़ा यहाँ पे अर्जेंट था बोल के हम लोग आ गए। बहुत बहुत ज्यादा कंडीशन उनके सीरियस है। आपके पापा को 3 बार मारे। कहाँ पर है घर? कहाँ पर है? तालाब कट्टा है, भवानी नगर, अमन नगर बी में है जी। मारने की वजह आपको नहीं मालूम? नहीं, मारने की कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ लगा ऊपर से बाद में भी मारने की मारते हुए। जी हाँ, मैं खुद देखी, वहीं पे थी मैं। मेरे को भी मारने आए थे, मेरे मम्मी को भी मारे, उन दोनों मिलके मम्मी को भी मारे, लेकिन वहाँ पे जो थे दूसरे लोग महल्ले वाले, नहीं हाथ से मारे मम्मी को। जी हाँ ठीक है ठीक। मुमताज बेगम, क्या आवाज आपके साथ? ये हमारे शौहर पत्थरगोश का काम करते थे, शिका पत्थरगोश का, तो हमारी बहन के बच्चों को सिखाए करे सब करे, कामा कर रहे हैं सब कर रहे हैं, और दूसरी जगह कामा कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ हमारे घर वालों को, तो पूछे हाँ पूछे तो हाँ कर रहे हैं क्या कर लेते बोल के गाली गलौज दिए कहते फोन पे, उसके बाद में आओ घर पे बात करेंगे बोले तो हाँ आ रहे बोल के आके सा हमला कर दिए, घर पे आके हमला, घर पर आके हमला कर दिए। कहाँ पर? तालाब कट्टा सोफी किराना। हाँ, दोनों भाई नहीं घर के बाहर दहलीज में ऊपर से नीचे बुला के मार दिए, दोनों भाई मिल के मारे। वजह क्या है मारने की? कामों पे आ बोले तो नियारे थे ना, चुप तो भी 6,000 रुपए देना है इसलिए नियारे बोल के बोल रहे थे, तो बोल रहे थे हमारे घर वालों को। क्या होना वो बच्चे? क्या होना आप लोगों को? मेरे सगे भांजे है, बहन के बच्चे है। बड़ी चाकू से मारे? बड़ी चाकू से? हाँ बड़ी चाकू से मारे। कितने बार पड़ा उनको? चार चार वाले। कैसी है कंडीशन आपके हस्बैंड की? बहुत सीरियस है। क्या बोले डॉक्टर? अब पाइप डालते बोल रहे हैं, अभी आप नहीं करे कुछ भी ट्रीटमेंट, जब से फिर आ रहे हैं जब से। कब हुआ ये हादसा? कब हुआ? 5 बजे ऐसा। क्या टाइम हो रहा है? अब क्या टाइम हो रहा है? 1:02 है। अभी तक कुछ भी इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। कंप्लेंट दिए पीएस में? हाँ दिए। कौन से पीएस में दिए? कट्टे पे। नाम क्या है पीएस का? क्या नाम है? भवानी नगर पीएस। क्या बोले? पुलिस वाले भी नहीं आए? कोई भी आए? सर्कल साहब आके देख के गए। स्टेटमेंट लिए? हाँ लिए, लेके गए। क्या स्टेटमेंट लिए? क्या बोले कि हमारे घर वालों को बात करने नहीं आ रहा, मारे क्या तुम भी बोले मारे बोल के बोल रहे हैं कहते उन्हें हाथ भी नहीं उठाए उन्होंने बोल रहे। आपके हस्बैंड कितने बजे घर में थे? तो उन्होंने कितने बजे आपके भांजे इन्होंने स्कूल की रात अप करके हमारे घर वाले 4-5 बजे घर को आते, आए खाना खाए, दूध की पैकेट लाए, उनके वास्ता को उनकी काम 25 तारीख का दिए बुलाए तो गए थे, जाके आए बस से ऐसा हुआ।
घर पे आके मारे, पीछे से मारे, आप देखे आप मारे। हाँ, मैं खुद लेके जाके पीएस में दिए लोगों को। आप उन्हें मार रहे थे आपके भांजे, तो आप देखे उनको मारे? हाँ देखे, पूरे चाकू से मारे, बहुत बड़ी चाकू, महिला वाले भी देखे। हाँ कैमरे है वहाँ पे, क्या है कि कैमरे नहीं मालूम। लोग पकड़े गए? पकड़े गए दोनों को भी। कहाँ से, कहाँ पर है उन्हों? अब पीएस में है। केस बुक करे शायद, मैं नहीं मालूम, अभी दाखने में हूँ। हाँ कंप्लेंट दे दिए। मेरे को कानून से इंसाफ होना, सगे भांजे बोल के हमारे घर वालों को बोल के सिखाने लगी मैं काम, मेरे को इंसाफ होना। अब हमारे को पालने वाले कोई भी नहीं है, उनके अम्मा बाबा कोई भी नहीं है बोल के। हम उनकी बहन की शादी भी कर रहे थे परसों, अब एक महीने में शादी थी उनकी छोटी बहन की, मेरे घर में रसम करी, सब करी मई, जानबूझ के हमारे से दुश्मनी मोड़ के ऐसा करे, आके घर पे मार के गए दोनों भाया। बहुत जुलम कर रहे लगा, पैसे हमारे देना ही छह भी लगा, हम ही देना है बोल रहे। ऊपर से मेरे को कानून से इंसाफ होना, मेरे घर वालों का पूरा इलाज होना, और उन लोगों को छोड़ना नहीं। छोटे रहने जब से हम लोगों को पाले, ये काबिल बनाए, ये दिन देखने के वास्ते माना बोल के खालू को मारे। अब सीरियस हमारे घर वाले, मेरे को इंसाफ होना, मेरे शौहर का पूरा इलाज होना। मेरे को मर्द बच्चे नहीं है, तीन भी औरत बच्चियाँ थे मेरे को एक भी मर्द बच्चा नहीं है, सो देख के फायदा उठाए लोगा।